दोस्तों दीपा के रसोई में आपका स्वागत है। इस बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियोस आप सबसे पहले देख सकें। आज मैं आप सबके लिए बाजार से भी बढ़िया बादाम मिल्क शेक की रेसिपी लेकर आई हूं। अगर आप इस तरह से मिल्क शेक बनाएंगे तो यकीन मानिए आपका बार बार मिल्क शेक बनाने का मन करेगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। बादाम मिल्क शेक बनाने के लिए हमने यहाँ पर देखिए आधा लीटर दूध लिया है। दूध आप कोई सा भी ले लीजिए, गाय का, भैंस का, ये जो पैकेट आता हो, जो भी आपके घर में आता हो वो दूध ले लीजिए। देखिए हमने गैस से पैन रखा हुआ है, यहाँ पे हम दूध को लो फ्लेम पे पकने देंगे। अब इसमें हम देखिए 2 से 3 पिंच हमने यहाँ पर लिया है हल्दी, हल्दी मिला देंगे। हल्दी वाला दूध सभी के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। यहाँ पर आप केसर भी डाल सकते हैं। और तब तक हम दूसरी तैयारी कर लेते हैं। आधा लीटर दूध के लिए हमने यहाँ पर 12 बादाम को रात भर के लिए पानी में भिगो कर रख दिया था। जब आप बादाम को भिगो कर रखाते हैं तो इसका छिलका आसानी से निकल जाता है। ये विटामिन ई, जिंक, कैल्शियम और मैग्नीशियम और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का बेहतरीन स्रोत माना गया है। इन सारे पोषक तत्वों का पूरा फायदा मिल सके इसीलिए हम बादाम को रात भर पानी में भिगो कर खाते हैं। अब बादाम को देखिए हम छील लेते हैं। देखिए हमने यहाँ पे बादाम को पीसने के लिए मिक्सिंग जार लिया है। बादाम थोड़े से हैं तो इसलिए इसमें हम थोड़े से डालेंगे 1 टेबल स्पून चीनी, जिससे कि बादाम आसानी से पीस जाए। और इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा दूध और इसका हम दरदरा पेस्ट तैयार कर लेंगे। देखिए हमने दरदरा सा पेस्ट तैयार कर लिया है, बहुत हमें महीन नहीं पीसना है। देखिए हमने यहाँ पर 1 टीस्पून वनीला कस्टर्ड पाउडर लिया है, इस पर हम थोड़ा सा दूध डाल के एक घोल तैयार कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा कस्टर्ड हमें नहीं लेना है, नहीं तो ये बिल्कुल कस्टर्ड बन जाएगा। कस्टर्ड हम इसमें इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि इसको डालने से इसका टेक्स्चर क्रीमी हो जाएगा और हल्का सा गाढ़ा हो जाएगा, इसलिए इसे हम इसमें थोड़ा सा दूध डालकर इसका हमने घोल तैयार कर लिया है। अब देखिए दूध में उबाल आने लगा है। अब यहाँ पे हम डालेंगे अपने स्वाद के अनुसार चीनी, क्योंकि हमने चीनी बादाम को पीसते समय भी डाला था, इसलिए हम इसमें 1 टेबल स्पून डाल रहे हैं। और चीनी को घुलने तक हम दूध को उबाल लेंगे। अगर आपके यहाँ दूध थोड़ा पतला आता हो तो उसे आप 3 से 4 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे थोड़ा सा गाढ़ा कर सकते हैं। देखिए चीनी घुल गई है। अब यहाँ पे हम डालेंगे, जब हमने घोल तैयार किया था कस्टर्ड पाउडर का, तो एक हाथ से हम इसको पहले चला लेते हैं और एक हाथ से हम पहले इसको थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, जैसे कि इसमें गुठलियाँ ना पड़े। और 2 से 3 मिनट इसको हम पका लेंगे। गैस की फ्लेम को हम लो टू मीडियम ही रखेंगे। 2 से 3 मिनट देखिए हो गए हैं और कस्टर्ड भी अच्छे से पक गया है। अब यहाँ पे हम डालेंगे जो हमने बादाम का पेस्ट तैयार किया था, वो डाल देते हैं। और इसे हम 1 से 1.5 मिनट के लिए चलाते हुए पका लेंगे। बादाम का पेस्ट डालने के बाद हमने देखिए इसको यहाँ पर 1 मिनट के लिए देखिए अच्छे से उबाल लिया है, यानी कि पका लिया है। 1 मिनट बाद आप देख रहे हैं कि दूध कितना क्रीमी और गाढ़ा हो गया है। हमने देखिए यहाँ पे गैस की फ्लेम को बंद कर दिया है। अब हम दूध को एक मिक्सिंग बाउल में देखिए ट्रांसफ़र कर लेंगे और इसे हम रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने के लिए रख देंगे। हमने दूध को रूम टेम्परेचर पर ठंडा कर लिया है। अब इसको हम 2 घंटे के लिए रखेंगे फ्रिज में। हमने देखिए दूध को 2.5 घंटे रखा है फ्रिज में, ये बिल्कुल चिल्ड है। हमारा यहाँ पर बादाम मिल्क शेक बन के तैयार है। अब इसको हम एक जग में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। अब हम मिल्क बादाम को ग्लास में सर्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए अपने सर्व करने के 2 ग्लास लिए हैं और मिल्क बादाम को हम इस तरह से चलाते हुए सर्व कर लेंगे, जिससे कि जो बादाम नीचे बैठा हो पूरा इसमें आ जाए।
हमने यहाँ पर थोड़े से पिस्ते और बादाम को देखिए बारीक काट लिया है। अब इसकी हम गार्निशिंग कर देते हैं। देखिए कितना बढ़िया और हेल्दी टेस्टी बादाम मिल्क शेक बनके तैयार हुआ है। जितना ये देखने सुंदर लग रहा है उतना ये पीने भी टेस्टी है। अपने कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको हमारा ये बनाया हुआ बादाम मिल्क शेक कैसा लगा। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आए आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ।